I'm Shlok. I'm Deepika. And welcome back to our channel, What the Fan. So guys, we're back to TBH 3.0. कौन है इसमें? Guess करो. I think हमारे भी if we talk about Pakistani dramas जो हमने देखे हैं, hardly हमने थोड़े से देखे, लेकिन he is our favorite. Like male में I think यही है. Yes. क्योंकि इनकी acting. कुछ लोगों की एक्टिंग होती है जो आपको मतलब उनकी जगह पे आप खुद को रख सकते हो. तो आई फील इनकी एक्टिंग वॉज वन ऑफ इट. जब हमने खुदा और मोहब्बत देखा कितना अनरियल ऐसा लग रहा था. इतना इजीली रुला कैसे सकते दूसरों को भी, और उतना सैड फेस उनको देख के ऐसा लगता है अरे बाबा क्या करें सच में. तो देखते हैं, हम एक्साइटेड है क्योंकि टीबीएच होने वाला है उसका, एंड आई थिंक हमारा फर्स्ट इंटरव्यू है जो यस के फिरोज खान को. हमने जब जनेजो का देखा था ना, जनेजो को हमने उनके व्लॉग्स में देख रखा था पर्सनली कैसे हैं, बट फिरोज खान हमने नहीं देखे हैं. हमने खाली एक एज एन एक्टर उनको देखा है, कैरेक्टर में देखा है ना. दिस इज गोना बी फिरोज खान प्रॉपर मतलब हम उनको दिस टाइम एक अलग रूप में देखने वाले जो वो खुद है, व्हिच इज एक्साइटिंग फॉर अस. सो गाइस लेट्स स्टार्ट. टू बी ऑनेस्ट 3.0 प्रेजेंटेड बाय टेलीनॉर 4G. फिरोज खान, तबीश हाशमी, नशपुत राय. स्टार्ट करते हो. आप फंसे हुए देखिए ना, आप यूं बैठे हुए ये फंसे हुए यार. आपको डबल कुर्सी दिए ना, मुझे सिंगल में फंसा. अरे कौन बैठे ना, मजाक कर रहे थे वो वाला या आप ही कर रहे हैं मजाक? अच्छा बताएं बताएं, फीमेल फैन आपको क्या लगता है? आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है? फीमेल फैन है मेरे एक पड़ोसी है, बहुत अच्छे हैं. मैं कोई ऐसी बात, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, मैं लेकिन ऐसे एक ह्यूमर प्रमोशन. कैसे हैं? मैंने कैसे आप कहते हैं बेगम जिंदा है. अगर इंडस्ट्री में ना होते और सामने कमरुर रहमान साहब और मावी सरमदारी होती तो एज अ कॉमन मैन किसकी साइड लेते? हलीम साहब. हलीम साहब की साइड. आई डोंट लाइक हिम. यार मैं रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर टेलीनॉर 4G और टू बी ऑनेस्ट भी होने वाले हैं अब कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए. एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपने आगे जाके कहीं नहीं बताया. आप आज TBH3 प्रेजेंटेड बाय नाशपाती प्राइम पे बैठे हैं. आज जो हमारे गेस्ट हैं वो एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग, अगवा बराए तवान, इन चीजों में मुलव्वस रहे. हमने उनको आज TBH3 में बुलाया है ताकि पूछ सकेंगे इस धंधे में कमाई कितनी है. आपकी भरपूर तालियों में फिरोज खान. Hi Firoz, have a seat. हम पहले ना जो गेस्ट आता है उसको गूगल पे सर्च करते हैं और देखते हैं कि टॉप 4 गूगल सर्च में प्रेडिक्टेबल वो क्या आ रहे हैं. FERO ZE. मेरा अपना है, मैं जरा बाइलिंगुअल हूं. जो प्रेडिक्टेबल टेक्स्ट आ रहे हैं, फिरोज खान लिखा है सिर्फ, फिरोज खान हाइट, लोग आपकी लंबाई जानना चाहते हैं. फिरोज खान. फिर किसी ने लिखा है फिरोज खान हाइट इन फीट. मिलीमीटर से स्टार्ट होता है बात, आगे बढ़ते. 5'11" फिरोज खान एज भी पूछा किसी? 30. 6 साल छोटे फिरोज लगता भी हूँ. सरप्राइज इस तरह हुए कि आपको लगा कि मैं आपसे 6 साल छोटा हूँ. आगे फिरोज खान ड्रामा, फिरोज खान सिस्टर, फिरोज खान सन, ये जनरल सवाल. कोई हॉट पिक्स का नहीं है, वरना यूजुअली गूगल करो तो फिरोज खान हॉट पिक्स वगैरह जरूर लिखा आता है. फिर इसी से स्टार्ट करेंगे कि शेख साहब कौन है और आज शो में आने से पहले उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शंस दिए? उन्होंने आज शो पे आने से पहले कुछ नहीं कहा, बट ओवरऑल मुझे उनकी कोशिश करता हूँ कि मैं ज्यादातर उनकी बातें, उनकी नसीहत याद रखूँ. अच्छा, पहले उन्होंने ही मना किया टीवी पे काम नहीं करना या आपने खुद डिसाइड कर? नहीं, उन्होंने मुझे कभी भी मना नहीं, कभी भी नहीं मना किया. आपने कहा यार मैं नहीं कर रहा, अच्छा नहीं लग रहा? ये बस खुद ही एक दिन आई वोक अप और मैंने ये देखा वो व्हाट्स दिस वुमन्स नेम, खलील रहमान साहब ने जिनको मारवी सरमत, मारवी सरमत,
तो उनका स्टेटमेंट आया और वो इतना एक वियर्ड स्टेटमेंट था उस दिन और मेरे लिए वो पढ़ना है, आई वाज थिंकिंग इफ आई हैव टू पिक अ साइड कि मैं किधर खड़ा होना चाहता हूँ, तो आई वाज लाइक आई वुड रादर लीव द इंडस्ट्री. सो देन लेटर आई रियलाइज कि मुझे जब समझाया मेरे बड़े बुजुर्गों ने कि जी देखें आपको उधर होते हुए और जो आपको समझ आता है वो आप अपना पॉइंट को थ्रू करें. सो दैट्स हाउ आई अंडरस्टैंड इट नाउ एंड आई लुक एट इट. अगर इंडस्ट्री में ना होते और सामने कमर उर रहमान साहब और मारवी सरमद आ रही होती तो एज अ कॉमन मैन किसकी साइड लेते? हलील साहब. हलील साहब की साइड. आई डोंट लाइक हिम. सॉरी बासित, देखो बासित पहला पहली लूज बॉल. दैट्स नॉट ट्रू. दैट्स नॉट ट्रू. खलील साहब एंड आई आर ग्रेट फ्रेंड्स अल्हम्दुलिल्लाह. आई गो एंड सी हिम एट हिज प्लेस. शो मी वापस लाहौर. नहीं, आई गो एंड सी हिम एट हिज प्लेस इन लाहौर. आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट. वो बहुत प्यार करने वाले इंसान है. मेरे उनके बीच में डिफरेंसेस थे वो बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और वो बहुत ज्यादा प्यार करते हैं. इनफैक्ट अब आप एक हैं. वी सॉर्टेड इट एंड ही इज अ ग्रेट मैन एंड ही लव्स मी अ लॉट एंड आई लव हिम बैक एज़ वेल. ही इज अ ग्रेट गाय. मूविंग ऑन. सो आई थिंक खलील रहमान. उनकी साइड लेते हैं आप? ये बहुत खतरनाक साइड ले लिया यार. नहीं, मोस्ट साइड. अगर आप इंटरनेट पोल्स उठा के देख लें पूरा पाकिस्तान पूरे एवरीवन्स ऑन हिज साइड. तो आप हाउ यू कंडक्ट समथिंग ना, आप कोई भी बात करें आपको बात करने की एक तमीज और तहजीब होनी चाहिए. उनको थी. देखें तो मैं देखता कौन है. आप मुझे इज्जत देंगे मैं आपको इज्जत दूंगा. आप मुझे मोहब्बत देंगे मैं आपको. फिरोज भाई कैसे हैं? फिरोज भाई गोता बजा जाता है. फिरोज भाई, फिरोज भाई अगला सवाल पूछ लूं आपसे. फिरोज भाई ये है कि पाकिस्तान में ना टॉप एक्टर बनने के लिए पहले विजय बनना पड़ता है, ये क्या साइंस है? नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है. क्यों? माहिरा खान बड़ी एक्टर नीचे से स्टार्ट किया. और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं. कौन सी? आप. थैंक यू. और सनम जंग. अच्छा. और या यू हो गया. आप हो गए. थिंक अ लॉट. आई थिंक वीजेइंग गिव्स यू अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस टू फेस द कैमरा एंड लुक इन द आई ऑफ कैमरा. अगर दोबारा चांस मिले करियर स्टार्ट करने का तो क्या करियर स्टार्ट करना चाहिए? यही करियर दोबारा स्टार्ट करेंगे या यू विल ऑप्ट फॉर समथिंग एल्स? अगर दोबारा स्टार्ट करने को मिलेगा आई वुड स्टिल डाइव इनटू इट अगेन बिकॉज आई डोंट थिंक दैट आई कैन टेक एनी क्रेडिट्स फॉर वेयर आई एम टुडे और व्हाट आई हैव अचीव्ड. आई हैव बीन गिवन, आई हैव बीन टेकन, आई हैव बीन ब्रॉट. So I would give the decision again. And yeah. You have already given in. यही करने आया हूँ. पैदा इसीलिए किया गया है. नहीं, whatever. From here, wherever. अभी. Okay. Exactly. चाहिए. Yeah. ठीक है. फिरोज, bad boy का एक image screen पर आपका establish हो रहा है. ऐसे characters मिले आपको कि यार थोड़ा bad boy मिले. तो रियल लाइफ में बिल्कुल opposite हैं या थोड़ा सेमी bad boy हैं या बिल्कुल ही bad boy हैं? माने हम सब की dark sides हैं और होती हैं. इस बात को हमें सीरियसली डाइजेस्ट करना और एक्सेप्ट और एडमिट करना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सो गुड एंड बैड इज विद इन अस एंड या आई एम गुड एंड बैड बोथ. फिरोज बहुत मैं कहता हूँ समीना भाभी, समीना बाजू को बुला लेते हैं शो में. समीना प्लीज आता को. क्यों? वो वैसा इंटरव्यू हो रहा है आज. हाँ है ना. इसको नहीं, एंजॉय नहीं कर रहे ना यार. तो करे ना. तो ना. अच्छा, आए ना. आप फंसे हुए कहीं पे? मैं फंसा हुआ नहीं हूँ. मैं क्यों? आप फंसे हुए हैं. देखिए ना, आप यूं बैठे हुए फंसे हुए. यार आपको डबल कुर्सी दिए ना, मुझे सिंगल है. फंसा बैठे ना. इंडस्ट्री फड्डे हुए कभी? किससे हुआ सबसे अच्छा फड्डा और मतलब कौन है अच्छा फड्डेबाज? मुझे यहाँ पे डर्टी गेम करने नहीं आया कि लोगों के बारे में बातें करूं. नाम मत ले. उनके नाम लो. लेकिन हाँ, फड्डे बहुत हुए. फड्डे इसलिए हुए क्योंकि जब मैंने आई थिंक आई वाज यंग. I'm still young, अल्हम्दुलिल्लाह. Younger. Yeah. I was younger. I was really short-tempered. और mostly ऐसा होता था कि मैं किसी से बात कर रहा होता था तो वो अगर नहीं समझ आती थी तो वो फड्डे तक चली जाती थी. Which is not good. I don't take pride in it. I'm not boastful about it. Because मुझे ऐसा लगता है कि आपका एंगल जो होता है वो आपको जिंदगी का जो रियल फन है वो उससे कासिर रखता है. कासिर इज द राइट. दूर रखता है. कासिर दूर रखता है. अच्छा, बारह पीटी वाले की तू निकल बाहर, तुझे देखता हूँ. ऐसा कुछ किया जैसे बातें? नहीं, मेरी अभी आंख ठीक हुई है. वो ब्लू हुई थी. उसको बोलते हैं शाइनी आए. शाइनी आए. किसने? कौन है वो बॉक्सर? वो रिंग में हम लोग आजकल स्पारिंग कर रहे हैं क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि बॉक्सिंग को एक करियर के तौर पर इंशाल्लाह ताला. यार कुछ पता नहीं भाई आपका. लूज टेम्पर भी है और खलील रहमान कमर से भी दोस्ती. आर यू आर लाइक रियल लाइफ रोमियो है क्योंकि आपके रिलेशनशिप्स या इस तरह के चक्कर चुक्र जो होते हैं हमारे लड़कों के
लौंडे लपाड़ों के हम जैसे, तो वो मशहूर होते हैं, आपके भी काफी दो तीन निकले, तो आप रियल लाइफ रोमियो हैं या रियल लाइफ आपका ऐसा है कि आप फिरोज ये ना कहिएगा नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल कभी लड़की देखी नहीं। यार देखो मैं झूठ बोलने से बिल्कुल कोशिश करता हूँ कि बोल के ना बोलूं, उसकी वजह ये है कि सच्चा रहना चाहिए, उससे इंसान में आजी आती है, ताकि थोड़ा सा एडमिट करना चाहिए, एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। मैं आपको अपना शेख बना लूंगा आज से, इस बारे में हम बिल्कुल मजाक नहीं करेंगे। तो शेख नहीं, सेंसिटिव अबाउट इट, नहीं मैं सही इस चीज के बारे में मुझे मजाक अच्छा नहीं लगता। चले ये, और मैं ये बोलना चाहता हूँ जो लोग देख रहे हैं कि यू नो कि ये भी शेख ने बोला, वो भी शेख ने बोला, दिस इज नॉट अ जोक फॉर एनीवन एंड दिस इज माय पर्सनल थिंग। आई थिंक इट वाज स्टूपिड ऑफ मी टू शेयर इट समथिंग सो पर्सनल विद यू नो ऑन सच अ प्लेटफॉर्म बिकॉज यू डोंट डायरेक्ट समबडी लाइक दैट। आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन। ठीक है, ठीक है, सही है। This is sensitive. Okay, and personal to you. Take yes, very fine. Personal. That's fine. That's but, Tabish, okay. You have to be easy. I love you. Thank you. Yeah. I don't want you to feel like, you know... I'm not independent. Yeah, just, yeah, relax. We are doing everything with each other. Exactly, relax. Yeah, please. What's going on? What's going on? पहले पता कर लेते, उसके बारे में सेंसिटिव नहीं है आप। फीमेल फैन वाला पूछ सकते हैं आपसे। पूछ के चलूंगा वहां से, फूक फूक के कदम रखूंगा, फूक फूक। फीमेल फैन से यार ये मजाक कर रहे थे वो वाला, या आप ही कर रहे हैं मजाक? अच्छा फैन, फैन, फीमेल फैन। आपको आपको क्या लगता है, आपकी इन्फॉर्मेशन क्या कहती है? फीमेल फैन है। हाँ जी, हो गए एंडोर्समेंट आ गई। अब फीमेल फैन ने कभी कोई ऐसी हरकत की? अनुला भाई क्या कर रही हो भाई? हाँ, वो क्या? अब वो भी वो तो बता सकते हो, बड़ी सारी हरकतें हुई हैं, आपको क्या बताऊं? कुछ ऐसी एक एक किस्सा कोई ऐसी बता दें जो बता सके। यहां पे मामला आ सके। अच्छा, तो आई वाज वीजिंग दिस वन टाइम, आई वाज डूइंग अ शो, काफी रात हो रही थी, हमारी वॉक थी, मैं वॉक करते हुए टॉयलेट तक रीच आउट कर रहा था, मेरे साथ मेरी टीम थी, बाथरूम बाथरूम तक मैं जब पहुंचा तो मैंने बोला क्या, हाँ मेरे साथ थी, मैंने बोला कि आप लोग जाओ, I'll just come back. वो खुद नहीं समझ रहे थे। तुम्हें जाना है, वादा हाँ देंगे, सफर अकेले करेंगे। नहीं नहीं नहीं, I told them to go back on the sets. ठीक है, I'll come back. ठीक। तो वो चले गए। अच्छा, I got done, I came outside, I was going back to the sets. तो मुझे पीछे से एक स्टेप्स की आवाज, टक टिक 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 टिक, and I'm like, अच्छा ओके, अमिताभ बच्चन। अच्छा, जब मैं पीछे मुड़ता हूँ तो मैं देखता हूँ ये वो लड़की है जो काफी अरसे से, मैं जहाँ भी सेट पे जाता हूँ तो वहां पे बस एक साइड पे एक फेस अपेयर होता है और वो देख रहा है। So I stopped and I was like, yes. And she was like, I want your number. I was like, I don't have a number. I was like, I don't use my phone. I was just trying to make up a story. And she was grabbing by the collar. And quite a moment. I was like, what the hell? Moment. Number? No, moment is not happening. Number is not so aggressive. I was like, just give me your number. 1-5 gave her. तो मैंने दिया उसका नंबर, क्योंकि सिचुएशन ऐसी हो चुकी थी, लेकिन नंबर मैंने दिया अपने फूफा को। तो आप फूफो कैसी हैं? सर मैं यही आपको बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे एक दफा तो फोन किया तो वो कहते हैं कि उन्होंने बोला कि जी वो मुझे फोन आया था किसी का, कहते हैं कि वो किसी कोई आपको ढूंढ रहे थे, आपको पूछ रहे थे, तो मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ वो आई गॉट स्टक, तो मुझे किसी का नंबर देना पड़ा, तो मैंने आपका नंबर दे दिया। लेकिन 3 दिन बाद फोन आया, कहते हैं इस मसले को हैंडल करो वरना मैं हैंडल कर जाऊंगा, वरना एंड शी इज नॉट स्टॉपिंग। अच्छा, फूफा को भी नहीं छोड़ ली? हाँ हाँ, कुछ तो नहीं, मेक मी टॉक टू हिम एंड यू नो, बट इट्स अ लव यार, आई मीन आई रियली रिस्पेक्ट ऑल द लव एंड एवरीथिंग, बट ऑब्वियसली ऑब्सेशन बिकम्स स्कैरी एज वेल। ठीक है, लड़कों की बातें कर, या लड़कों वाली बातें कर, लड़कों की बातें नहीं करते, अजीब सा लगे। ऑफ रोड ड्राइविंग का शौक है, आई लव इट, है ना? अभी आप को ड्राइवर भी थे इस जो रैली हुई है, I was. झलमक सिंह जो है, yes. सुल्तान बहादुर अजीज सिंह, he's my he's the driver, I'm navigating. Yes, yes. तो ये कहाँ से शौक पैदा हो गया ऑफ रोडिंग का, कराची में ड्राइविंग करके? I was always into rush and speed and talk and everything. तो वो exuberance है आपके अंदर? Yeah, but obviously spending more time with Pisa, तो वो उनका बहुत interest है. Yeah, he runs in EA prepared, he's a champion. Oh, great. Yeah, and he is what a driver. What a driver. Like you're going 170, you're flying on a desert. Yeah, you're flying on a desert. Yeah, मुझे पीछे बैठा के डाले पे बल्कि मुझे डाले पे बैठना तो बंदूक लेके बैठना पड़ेगा, और डाले का एक कैरेक्टर होता है ना। We go. अच्छा, डाले पे जो लड़के लोग बैठते हैं गार्ड वो हमेशा वो बोर्ड होते हैं, बोर्ड एस यू बैठा रहता है,
उसकी कोई लाइफ ही नहीं, बैठा हुआ है। अच्छा, कुछ लोग तो ड्राइवर का नाम भी नहीं लेते, उसको ड्राइवर ही कहते। डी जी, डी वेयर इज माय डी, वेयर इज माय जी, जी कौन है? क्या यार, मतलब व्हाट यार, मैं रहता हूँ कनेक्टेड कनेक्टेड, मगर टेलीनॉर 4G और 2B भी होने वाले हैं आप कनेक्ट, क्योंकि हम सबको चाहिए ना मोर से ज्यादा एंटरटेनमेंट, इसलिए। जब मेरी पहली बेगम ने पहली बार कहा, पहली बेगम कह रहा था, इकलौती बेगम ने पहली बार कहा वेयर इज द एम, तो मैं समझा नहीं एम कौन सी बेगम, मासी मासी पहली पहली नहीं ओनली बेगम, अबे पहली नहीं। अच्छा, आप देखो मेरे फॉरेन इंटरव्यू में पीछे आया है, कौन सी बेगम, ओरिजिनल जो है ओरिजिनल जापान वाली। तो उन्होंने मुझसे कहा वेयर इज द एम, कौन एम, यानी मासी कितनी बर्गर, मैंने कहा भाई डी होता है एम में कुछ नहीं, तो अपनी तरफ से बना रही हो ये तो। अच्छा, मुझे वैसे ये मुझे इस तरह की जोक्स पता नहीं क्या समझ नहीं आते, समझ नहीं आते। थोड़े दिन पहले मैं घर से बाहर निकला और मैं नाम नहीं लूंगा, वो मेरे एक पड़ोसी हैं, बहुत अच्छे हैं, मैं कोई ऐसी बात, मैं उनका नाम नहीं लेता, मैं लेकिन ऐसे एक ह्यूमर प्रमोशन, कैसे हैं, मैंने कैसे हैं आप, कहते हैं बेगम जिंदा है। और वो इतने सीरियस थे और मुझे 2 सेकंड बाद लगी और कमाल यार। अच्छा, यू नो हाउ, क्वेश्चन लिखा इसलिए पूछ रहा हूँ, You know how to be in the news. एक rumor फैली कि यार आपकी separation हो गई है, किसने फैलाई होगी? यार ये जो मेरा ये जो एक बात है ना, ये But you are always in the news. देखो जो अगर कोई इंसान legacy के को plan कर रहा होता है, कोई 5 साल का करियर सोच रहा होता है, कोई 50 साल का सोच सकता है, आप अल्लाह से क्या मांग रहे हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट ये सस्ती शोहरत तो कोई नहीं करेगा ना, कि यार मेरा बच्चा कल बड़ा हो, देखे यार, अच्छा जी अबू वाह आपने ये न्यूज चलवाई थी, और मैं बोलूं जी बेटा। अच्छा, बच्चे को बच्चा नहीं पूछे शायद, बच्चे से दोस्त पूछेंगे अबे तेरे अब्बू की तो न्यूज देख। फिट माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह फिट, तो कोई इरादा बनाया हुआ यार आगे चल के ना जरा ये वाली चीज सेट कराऊंगा? एक दफा करा लिया था यार और मैं परेशान हो गया, क्या करूं यार। हुआ ये कि मुझे बताया मेरे प्रोड्यूसर ने, कहता है कि यार आपको ना पूल में जंप करनी है। मैंने बोला ओके, तो कहता है यार कि आप हम लोग अंडर वाटर शूट करेंगे। मैंने बोला ठीक है। मैंने बोला व्हाट एम आई वेयरिंग, कहता है आप बता लो। नहीं नहीं, कहता है आप बताओ क्या पहनना चाहते हो। मैंने बोला यार आई कैन वेयर ट्रंक्स, शॉर्ट्स पहन लूंगा, बताओ क्या पहनना है, कोई आप बोलो पहन तो दो, तो करना क्या है? पूरे व्हाइट कलर के कपड़े सलवार कमीज स्विमिंग के लिए इस तरह की शर्ट और एक व्हाइट इसके साथ ट्राउजर्स मुझे उन्होंने यार सुनो तो ना प्लीज हुआ क्या उसके बाद जब वो हो गया। अब मैंने सोचा कि इसके लिए तो यार मेरा बिल्कुल क्या कहते हैं जिस्म ठीक नहीं है, ठीक होना चाहिए। अच्छा जी, वर्कआउट किया, वर्कआउट करके जब वर्कआउट हो गया बॉडी बन गई, फेस को मैंने देखा बिल्कुल ड्रॉप हो गया, ऐसे अंदर चला गया, कल्ले मिल गए आपस में। आई वाज लाइक अब मैं क्या करूं, कॉल्ड अप अ डॉक्टर, उनके पास गया, बहुत अच्छे हैं वो भी, बड़े उनकी ऑनेस्टी को वाह वाह। और वो मुझे कहते हैं कि डॉक्टर खिलजी, इज लाइक मैं तो नहीं करा। मैंने बोला प्लीज आप मेरे लिए कर दे, मेरा कल्ले खोल दे, मैं नहीं कर सकता। कहते हैं आपको जरूरत नहीं है, आप मेरी बात समझे। मैंने बोला आप प्लीज कर दे। मैंने बोला ओके। तो यहाँ पे मैंने फिलर्स लगवाए। वाह, जब मैंने वो फिलर्स लगवाए ना और मैंने अपने आप को देखा, आई वाज लाइक अब मैं इसको डिसॉल्व कैसे करूं। सुशील जी के पास हुआ था, बिकॉज मैं अपनी पिक्चर लू तो वो यहाँ पे ऐसे करके ना उठा, दिस इज नॉट मी, आई नीड टू गेट ऑफ दिस। अरे फिलर कल्ले भूल गए तो स्विमिंग में आसानी हो गई। बचपन में सोचते थे स्टार बनूंगा, मैंने मुझे स्टार बन, मैं यार बचपन में बहुत मोटा था, नेग्लेक्टेड था, तो मैं जब वैसी फिल्म्स देखता था तो मुझे हीरोज बड़े अच्छे लगते थे, ठीक है। तो मुझे आज तक याद है वो कल होना हो में जो नहीं ऋतिक रोशन ऐसे करके उसका भाई, उसका भाई जो ये मोटा था यार ये, इसको मतलब कंटिन्यूटी नहीं थी ना, वो लड़का क्लोजर नहीं मिला। लोग पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा कैसे हो गया, वो लड़का चलो ठीक है पतला तो हो सकता है, अंगूठे 4-5 कैसे हो गया, ये कैसे हो रहा है तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, और ये भी हो गया कि फिरोज यार कभी शरारती शरारती थे ये नहीं थे, हमेशा से ऐसी अच्छी अच्छी बहुत क्रेजी चीज की, बहुत क्रेजी एक चीज हो जाए कोई ऐसा पूछो दिलचस्प मसाला, मैं मुझे क्या पता क्या क्रेजी, पूछो ना बताता हूँ। अच्छा, स्कूल में कोई मैं क्या पूछू, मुझे क्या पता कितना क्रेजी सोच के आए हैं आप, बहुत क्रेजी किया
तो वो वाला बताया सबसे ब्रॉड क्या बताऊं वो जो उस दिन किया था किधर जाना चाहते हो किधर लेके जाऊं मैं सीधा रास्ते पे जा रहा हूँ आप ये जोर पे डाल देना मैं नीपा से चला जाऊंगा बस नहीं लेकिन हाँ तबिश मतलब मैं भी इधर ही बड़ा हुआ और सब सब अच्छा ब्रिज के उस पार या ब्रिज के इस पार ब्रिज के उस पार जौहर में ना गुलशन बाग जौहर हम ब्लॉक ब्लॉक थ्री में जौहर नहीं जौहर है गुलशन ये मसला है ना बिल्कुल है या नहीं है है या नहीं है डरावन भाई है यार लेकिन ऐसा है कि तब भी ऐसा है कि गुलशन और जौहर में काफी भाईचारा है भाईचारा है दोस्ती हो गई है अब हम लोग मिल बांट के रहते हैं हम लोग कलेक्टिव दुश्मन है डीएच नहीं क्यों नहीं मानेगा मानो नहीं कूल लोग हैं नहीं भी है, क्या क्या पता नहीं फ्यूचर में पता फ्यूचर बैठा हुआ है यहाँ पे पता नहीं कौन कौन बैठा हमारा इंटरव्यू कर रहा है थोड़े दिन बाद हम बैठे हुए क्यों जी चांस मिल जाएगा और क्या फिर उस फिट कैसे रहते करीब आते जा रहे थोड़ी देर में हम साथ ही बैठे होंगे फिट कैसे रहते ट्रेनिंग करके कभी आए ना मुझे भी लगा आप करीब आप ही खुशबू भी लगा रहे हो माहौल बनता जा रहा है अब शो शुरू हुआ है भाई छह नंबर आप करीब आ गए तीसरे साल पूछूंगा मैं अब मैं आ रहा हूँ अपने मॉल में सुबह उठे आप अचानक से देखा कि आप लड़की बन चुके मॉल क्रिएट करता हूँ सो रहे हैं सुबह उठे आप लड़की हैं ऑपरेस्ड हैं मजलूम हैं और आपकी कोई बात नहीं सुन रहा क्या करेंगे रिलैक्स मैं उठ के दिखाऊंगा मैं उठ के दिखाता हूँ ना हाँ प्लीज मैं उठ नहीं रहा सॉरी मैं सो रहा हूँ सोते हुए लड़के दिखा नहीं सकते नहीं नहीं सोते हुए क्यों नहीं दिखा सकते आप दिखा सकते आप दिखा सकते मैंने एक्ट करना है हाँ सर सो गया उठा आप लड़की हैं लड़की हूँ पता क्या मेरी कोई बात नहीं सुन रहा हाँ भाई मैं रिलैक्स करूंगा तुमको सुन ही नहीं रहा फायदा क्या कुछ कह नहीं फिर इतनी देर से उठ गए ब्रश नहीं किया अभी तक ब्रश तो फिर सबर से कर दे वासिर इसमें एक चीज ही जुमला बोलूंगा फिरोज और मैं एक साथ सोए सिंगल बेड ऐसा है कि ऐसा कि कभी किसी को देख रहे हो आप यूं करके ऐसा होता है ना कभी कोई अच्छा चेहरा सामने से गुजर गया तो आप यूं चले गए पहली नजर तो डाल सकते हैं डाल दी तो अपना ऐसा हुआ कभी कि किसी ने पकड़ लिया हो क्या देख रहे हो मैंने बोला ये किस किस्म का सवाल है जिस किस्म का जवाब दिया किस्म का सवाल पूछा मैंने नहीं मैंने पूछा मैंने बोला ये किस किस्म का सवाल है मुझे पूछा ये क्या देख रहे हो मैंने बोला ये किस किस्म का सवाल है ये देख रहा हूँ तुम्हें नहीं पता क्या हो गया यार आंख को क्या मतलब आंख चली गई आंख का कौन संभाल रखा है इसको आज तक अच्छा ऐसा वो सोशल मीडिया पे गलती से पोस्ट कर दी और फिर रिग्रेट अबे यार ये क्या कर दिया मैंने उस पर जब तक 15,000-20,000 लाइक आ गए ऐसा हुआ है कि डिलीट की बहुत दफा ऐसे क्या लास्ट क्या चीज थी हो जाता है गलती से पोस्ट हो गया और वो अब नया वो है कि वो जब तक वो पूरा पोस्ट ना हो तब तक आप उसको रोक नहीं सकते देखते रहो बहुत स्केरी है अच्छा कभी भी ना रात के 1:30-2 बजे कोई पोस्ट नहीं मारना भाई प्लेन मोड पे यूज करो प्लेन मोड केमिकल खराब हो चुके होते डोंट प्लेन मोड कुछ भी नहीं आप वो हो रहे होते हैं स्पिरिचुअल भी हो रहे होते हैं सब कुछ मिक्स हो रहा होता है और हैंग ओवर भी हो रहा है जी तो मेरा हैंग ओवर उधर देर ओवर देर होता है हाँ होता है भाई कभी आप अभी उतरा हूं तो मुझ पे हैंग ओवर हो रहा है ना मुझे शोहरत का अच्छा अच्छा किसी को डिच किया नहीं ठीक है किया ओके आप कभी डंप हुए ठीक है हुए डंप हुए हर कोई होता है यार हम लोग क्या शुरू से थोड़ी खूबसूरत होते हैं लड़के तो किस खूबसूरती की बात नहीं है बस हुए हैं आप अज्यूम कुछ भी कर सकते हैं ना तो आप चुप करें फिरोज करियर में आगे जाने के लिए कहां तक जाएंगे कहां तक यार आप प्लान्स जो हैं वो बहुत ही कोई गंदे बड़े कोई सॉलिड प्लान्स हैं लेकिन मैं उनके बारे में बात नहीं पत्थर उठा के जाएंगे नहीं मैं बात नहीं करना चाहता आई वांट टू डू दैट नाउ मार्स पे मूवी बनाएंगे खैर मैं कुछ मतलब कुछ ऐसे प्लान्स हैं लेकिन कुछ हिंट्स प्लान्स हैं सुपर टेरेस्ट्रियल क्या होगा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लोगों की मूवी है क्या होगा कुछ तो हिंट्स देनी पड़ेंगी भाई फिरोज काम से मतलब हाँ आगे अच्छा काम के सिलसिले में तो आई एम रीडिंग दिस वन स्क्रिप्ट माय वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट कैरेक्टर्स दैट आई एम अबाउट टू डू मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा होना चाहिए कॉन्टेंट वो बेशक यूट्यूब हो
ठीक है, बना के कोई डाल दे जिस तरह आपका शो ट्रेंड कर रहा है, yes, तो वो कोई मैटर नहीं करता, बट हाँ ड्रामा है, टीवी करता है भाई मैटर टीवी का और काम नहीं, कंटेंट मैटर करता है, अच्छा होना चाहिए, टीवी का है, एंड इट्स सुपर्ब, इट्स माय, इट्स गोना बी इंशाल्लाह क्रेजी। फिरोज आप टीबीएच में आए, टीबीएच में आज एक डिफरेंट माहौल बना, थैंक यू, और ये आज मेरे ख्याल से एक एपिसोड ऐसी जाएगी जिससे पता चलेगा कि यार यहाँ पे सिर्फ वही नहीं होता जो होता चला आया, अच्छा ये हर गेस्ट के साथ टीबीएच मोल्ड होता रहता है, यानी हर इंसान की एक वाइब होती है यार, और यार फ्लोर के ऊपर अपना अपना, वी वर वाइबिंग, वी वर हैविंग अ डिस्कशन, वी वेंट, वी हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग, मजा आया फिरोज के साथ, फिरोज बहुत गुस्से में भी आए, और फिरोज मैं गुस्से में नहीं आया, तो कोई आखिरी जुमले, मैं जा रहा हूँ ख्याल रखना, ऐसा कुछ कह, take only as much as you want, the rest is just a burden. Wow, ladies and gentlemen, Feroz Khan, yaar main rehta hu connection ek magar Telenor 4G aur 2 be honest bhi hone wale hain aap connect kyunki hum sabko chahiye na more se zyada entertainment isliye. Okay, main is bar host ke bare mein baat karna chahti hu. First thing first, mujhe aisa laga tha ki hai na Feroz Khan bahut cute hai, but नहीं देखा था इसमें, अच्छा है क्या पिकअप लाइन्स, मतलब यू नो यू नीड टू बी, जैसे आप किसी स्टार के साथ हो, आप इंटरव्यू ले रहे हो, एंड फिरोज गॉट लिटिल ऑफेंडेड, दिख रहा था आपको, हाँ ऑफ कोर्स, तो यू नो उसको कैसे टैकल करना है, आपको अपना मतलब यू नो इतना सोचना, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए रहता है ना, लाइक यू नीड टू बी दिस क्विक कि अगर ये फिलहाल सिचुएशन मैंने सोचा था ऐसे जाएगा, सब ऐसे जाएगा, और वो डायरेक्ट अपोजिट चला जाए तो मैं क्या बोलूंगा, एंड अगर तबिश भी वैसे रिएक्ट कर देते तो शायद बहुत अलग एपिसोड हो जाता, लेकिन एपिसोड ही नहीं आता, पर तबिश ने कितना अच्छे से वो टैकल किया, आई लव दैट, एंड थ्रू आउट यार उन्होंने पूरे फन एलिमेंट बना दिया, थिंग इज तबिश नहीं देख रहे हो पता है, बट गलती से देख लो तो यार चश्मा बहुत सूट कर रहा है, हैंडसम चश्मे में, एंड तबिश 36 बहुत अच्छा किया है, मतलब थ्रू आउट तबिश कितने ज्यादा अच्छे उन्होंने, पता है नेक्स्ट जो सॉरी लेकिन वो नेक्स्ट जो चीज थी, मतलब जैसे क्या आपने किसी को डंप किया है, ठीक किया है, समझ गया, डंप हुए हो, ठीक है, आई नो कैसे पूछ रहे थे, ये पूछ सकता हूँ, ये पूछ सकता हूँ, मतलब उन्होंने फन एलिमेंट डाल दिया, वरना वो बहुत चीज ऐसी सीरियस मीठी छुरी भी दिए पता है बीच में, नहीं पूछे ना बना ऑफेंड हो जाओगे, चीजें बहुत अच्छे से हैंडल करनी पड़ती है, ये मुझे लगा नहीं था कि फिरोज खान के एपिसोड के बाद में लास्ट में हम जाके 2-3 मिनट तक डायरेक्ट सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ ताबिश की बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने दिल बहुत अलग लेवल पर दिया, एंड फिरोज मुझे ऐसा लगता था कि वो है ना थोड़े रणवीर सिंह टाइप होंगे, मतलब मुझे पता, आई डोंट नो व्हाई, मुझे ऐसा लगता था कि उनका इंटरव्यू वाला लाइक द पर्सनल साइड उनका थोड़ा रणवीर सिंह जैसा होगा, लेकिन वो या ही इज वेरी डिफरेंट, या ही इज वेरी डिफरेंट आई थिंक, और एक्चुअली बट खुद के लिए स्टैंड लेते हैं यार, ये चीज बहुत ही क्लियर, बहुत कम स्टार्स करते हैं कि खुद के लिए स्टैंड लेते हैं, एंड जो है एकदम क्लियर बात फेंक देते हैं, हर वक्त प्रिटेंड नहीं कर सकते हैं कि ठीक है मैं नहीं पसंद, फिर भी आप इस बारे में बात कर लो, दैट्स वेरी ऑब्वियस, ठीक है किसी लोगों के लिए कोई टॉपिक सेंसिटिव होता है, एंड दैट्स वेरी फाइन, वेरी नॉर्मल, वेरी ट्रू, एंड उसके लिए स्टाइल भी बहुत अच्छे से, मतलब नॉर्मली कोई भी सेलेब हमेशा अपने यही सोचता है कि अरे यार ऑडियंस देख लेगी वैसे वाला साइड, तो कोई नहीं चाहता कि उनकी ऑडियंस देखे वो साइड जो उनको नहीं दिखाना, लेकिन आई थिंक इनके पीछे बहुत रेफरेंसेस थे जो हमें बिल्कुल आई, हमें नहीं बताया यार, वो जोक तो कड़कते हैं, वो ए साइड वाले बट भाई चला गया, वो थोड़ा समझ आया कुछ तो रहेगा, एरिया का टशन रहेगा, हर जगह होता है, हर एक जगह होता है, एपिसोड काफी फन था, लाइक ताबिश ने बहुत दिल जीत लिया, मचा दिया था ताबिश ने, उन्होंने मतलब फिरोज खान ने, मैं क्या बोल रही थी, बहुत अच्छे से उन्होंने खुद को रखा है जैसे वो है, फिरोज खान ने अपनी क्रेजी हरकत बताई नहीं यार, लेकिन इधर उधर करके निकाल दिया, टैलेंट चाहिए भाई, टैलेंट चाहिए कि आप होस्ट को घुमा पाओ, क्योंकि अगर और वो भी ऐसा होस्ट बोला ना, हाँ ठीक है उस दिन वाला, और वो भी ऐसा होस्ट भाई जो ना इतना इजीली हिल नहीं पा रहे, पकड़ रहे कि भाई बता, अब तो बताना पड़ेगा, लेकिन तबिश ने इस बार बहुत अच्छे से लिटरली मजा आ गया, जैसे मतलब
आई एम टेलिंग यू ना, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस वीडियो के एंड में हम इतनी ताबिश की इतनी बातें करेंगे. आई एम लविंग हिम. मतलब आई गेस जनेजो का सीजन अलग होगा और ये सीजन अलग होगा, एंड इफ इट इज तो दिख रहा है उनका जो ग्रोथ होता है ना. एंड जनेजो में ऑनेस्टली हम बहुत ज्यादा इंटू जनेजो थे, तो हम ऑलरेडी उनकी बातें करते गए एंड हमने होस्ट की बहुत नहीं की हमने बात. यू आर लाइक जनेजो ना एक बहुत ही दिल में बसे हुए हमारे, मतलब स्पेशल बॉन्ड वाली फीलिंग है. वो कोई अलग ही वर्ड है, मेरे को वही याद आता है सीधा. एंड हमारे दोस्त भी जनेजो के बहुत बड़े फैन है, बहुत ज्यादा, तो हम ऑलरेडी पूरे टाइम वही सुनते रहते हैं. मुझे अर्बन मंकी का एक टोपी चाहिए क्योंकि जनेजो भी पहनता है. अर्बन मंकी की टोपी तो मेरे को भी चाहिए यार, महंगी है बहुत. अर्बन मंकी प्लीज पैसे दे देना. अरे प्लीज दे दो यार, एक टोपी दे दो यार. गरीबी की हाइट. अरे यार क्या कड़क टोपी होती है यार उसकी. गरीबी. अरे खरीद ले, इतनी भी महंगी नहीं होती, सस्ती होती, मतलब इतनी ऐसी नहीं है यार, हम क्या बातें कर रहे हैं. 1500 की होती है बट मस्त होती है यार. तू तो गरीब है समझ आता, लेकिन अपन क्या बात कर रहे हैं. शक्ल देखो. जस्ट किडिंग गाइस. ओके, तो काफी फन एपिसोड था. वी लव्ड इट. मतलब दोनों के अलग अलग साइड. एक्चुअली ना फिरोज खान के जो भी है ना, जैसे इन्होंने कहा कि इनका जो भी अब तक इनके रोल्स रहे हुए हैं उसके कारण एक बैड बॉय वाला इमेज सेट है. हमने एक भी बैड बॉय वाला नहीं देखा. मैं गुले राना स्टार्ट ऑलमोस्ट कर दी थी, उसमें उनका बैड रोल होने वाला था, एंड देन देयर वाज समथिंग जिसके कारण मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी. एंड यार उनका वो वाला चीज भी कितना सही था, पैजामा दे दिया था व्हाइट कलर का शर्ट और वो पैजामा. बहुत अच्छा था पूरा वीडियो. काफी आई थिंक जो लोग ऑलरेडी सब स्टोरीज जानते हैं उनके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव. अरे सच में भाई, कॉन्टेक्स्ट से पूरा. अपन तो अब्बा जब्बा डब्बा थे काफी. एग्जैक्टली, हमें तो कुछ भी नहीं, मतलब हमें तो ऐसा लगा था आधे वीडियो में हमें मजा आ रहा था लेकिन हमें समझ नहीं आता. बट थोड़ा कुछ ऐसे समझ पा रहे थे कि ऐसे नहीं तो वैसे. थोड़ा बहुत कॉन्टेक्स्ट बता दो यार. हाँ मजा आ जाएगा. एंड ऑल्सो गाइज, आप हमें नेक्स्ट प्लीज रिकमेंड करो कि आप TVH का कौन सा वीडियो देखना चाहते हो, क्योंकि आई थिंक हमने इनके जो मैक्सिमम गेस्ट हैं हमने उनको अच्छे से हम जानते नहीं है. हमने खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया. लाइक इनका सबसे फेमस वाला इज मथीरा करके कोई है, लेकिन वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट हर. तो मे बी यू कैन सजेस्ट अस समथिंग और हम वो एक उनका बैकग्राउंड दे सकते हो कि ठीक है दिस इज व्हाट शी डज, दिस इज व्हाट ही डज एंड व्हाटएवर. एंड लव यू यार, मजा आया. पर सच में वो फिरोज खान से 6 साल छोटे ही लग रहे थे. एग्जैक्टली, क्योंकि वो बहुत छोटे लगते हैं यार, बहुत क्यूट से छोटे, क्यूटली बोलते हैं एंड वो हर चीज को कितना इजीली ले लेते हैं. ठीक है, थैंक यू. बहुत लंबा वीडियो था, बहुत मजा आया और याद तक देखने को चला गया. तो Take care, guys. Special one. We love it. Bye. Take care. Bye-bye.